कहते हैं कि अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी जरूरी होती है, इसलिए घरों में लाइट लगाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा रोशनी हमारे शरीर या फिर पृथ्वी के लिए अच्छी नहीं होती है, जिसका खुलासा हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। ऐसे में अगर आप भी ज्यादा रोशनी में रहना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सेहत के लिए नुकसानदायक होती है ज्यादा रोशनी। 19वीं शताब्दी में जब बिजली की खोज हुई थी तो इसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी। शुरुआत में ज्यादातर काम दिन के उजाले में पूरे कर लिए जाते थे, लेकिन बिजली की खोज के बाद इंसान की जिंदगी आसान हो गई और रात के समय में काम करना भी आसान हो गया था। हालांकि बीतते समय के साथ धरती की आबादी में इतना ज्यादा इजाफा हो गया कि कई देशों में रात के समय भी प्राकृतिक अंधेरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि इन देशों में हर जगह लाइट्स और चमचमाती बिल्डिंग दिखाई देती है। इतना ही नहीं, गगनचुंबीय इमारतों में इतनी चमचमाती लाइट का इस्तेमाल किया जाता है कि उस प्रकाश को दूर अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार स्ट्रीट लाइट्स और घरों में जलने वाली लाइट में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक अब इस तरह के प्रकाश को मानव सभ्यता और पृथ्वी के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जरूरत से ज्यादा प्रकाश को लाइट पॉल्यूशन का नाम दिया है, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग बीमार पड़ते हैं। दरअसल लाइट पॉल्यूशन की वजह से आंखों में जलन, नींद न आने, डिप्रेशन और मोटापे की समस्या बढ़ जाती है। जबकि रात के समय कृत्रिम लाइट का इस्तेमाल अधिक करने से लाइट वाले छोटे छोटे कीड़ों की संख्या भी तेजी से घट रही है। यह कीड़े लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर झुंड बनाकर किसी भी बल्ब या स्ट्रीट लाइट के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि लाइट की गर्माहट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जानकारों की माने तो हर साल सैकड़ों कीड़े लाइट की वजह से मारे जाते हैं, जिसकी वजह से फसलों को तैयार होने में देरी होती है, क्योंकि फसलों के पॉलिनेशन के लिए कीड़ों का जीवित रहना जरूरी होता है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोग आर्टिफिशियल लाइट के संपर्क में अधिक आते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पुरुषों में लाइट की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और कमजोर पाचन की समस्या होती है, जबकि रात के समय अंधेरा न होने की वजह से कई लोगों को नींद आने में समस्या होती है। घरों के बाहर और अंदर लाइट का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कोयला खनन और उसे जलाने की प्रक्रिया में भी तेजी आई है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। कुछ जानकार अधिक लाइट को देशों के लिए भी खतरनाक बताते हैं, क्योंकि इससे दुश्मन देश दूसरे देशों की सीमा का आसानी से पता लगाकर उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। यह लाइट सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इसकी वजह से जमीन और समुद्र में रहने वाले जीवों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इन जीवों को रात को सोते समय अंधेरे की जरूरत होती है, जबकि उजाले की वजह से पक्षियों को उड़ान भरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली की तारों और खंभों में फंसकर कई पक्षी हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि कृत्रिम रोशनी की वजह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि भी होती है। अंडों से निकलने वाले नवजात बच्चों को रोशनी की वजह से रास्ता देखने में दिक्कत होती है। खासतौर से कछुए के नवजात बच्चे अंडों से बाहर निकलने के बाद समुद्र तक सुरक्षित रूप से नहीं पहुंच पाते हैं और कृत्रिम लाइट की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। इससे कई बच्चे मर जाते हैं और इससे कछुओं की आबादी पर बुरा असर पड़ता है। इस कृत्रिम लाइट की वजह से पेड़ पौधों की पैदावार पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पेड़ दिन के समय भी उजाले में रहते हैं और रात के समय कृत्रिम रोशनी उनकी कार्यशैली को डिस्टर्ब करने का काम करती है। हम इंसानों को रोशनी में रहने की इतनी बुरी आदत हो चुकी है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोग आसमान से आने वाली प्राकृतिक लाइट को भूल चुके हैं, जबकि कई लोगों को आकाश गंगा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इन बड़े शहरों में रहने वाले लोग रात भर इतनी तेज रोशनी में रहते हैं कि कृत्रिम लाइट की वजह से आसमान से चांद और तारों की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाती है, और अगर प्राकृतिक रोशनी पहुंच भी जाए तो वह कृत्रिम लाइट के साथ मिक्स हो जाती है। इससे लोग प्राकृतिक लाइट और कृत्रिम लाइट के बीच अंतर करना भूल चुके हैं, जबकि ज्यादातर लोग चांदनी रात या फिर चांद की दूधिया रोशनी के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप लाइट जलाकर सोते हैं तो हम आपको बता दें कि लाइट की वजह से दिमाग कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता है और रोशनी में इंसान को गहरी या फिर शांति भरी नींद भी नहीं आती है। इंसान की अच्छी सेहत के लिए अंधेरा जरूरी होता है, जबकि अंधेरे में नींद भी बेहतर आती है। नींद पूरी होने से शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि कृत्रिम लाइट का कम से कम इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल और पृथ्वी को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। जानकारों की माने तो अगर पृथ्वी पर कृत्रिम रोशनी बढ़ती गई तो भविष्य में ज्यादातर लोग चश्मा पहने नजर आएंगे और तेज रोशनी की वजह से फसलों की पैदावार पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लाइट का इस्तेमाल सीमित तौर पर किया जाए, जबकि खेतों और संवेदनशील इलाकों में फसलों को रात के समय कृत्रिम लाइट की रोशनी में नहीं रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।